दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी है। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी रिमांड। शराब घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज पूरी हो रही है। केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। और वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर जा रहे हैं, वो आरबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने वाला देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। आरबीआई आज अपने 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। इस मौके पर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स नरीमन पॉइंट मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान 90 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का महाराष्ट्र का ये 4था दौरा है। और राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीकर में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक के बाद अमित शाह ने कल सीकर में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो कल्याण मंदिर से तापड़िया बगीचे तक निकाला गया। रोड शो के दौरान अमित शाह खुली जीप पर सवार थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लोगों ने उन पर जमकर फूल बरसाए। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीकर के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती भी जीप पर सवार थे। गृह मंत्री के स्वागत के लिए सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। रोड शो के दौरान राजस्थान की कला और संस्कृति के भी दर्शन हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए। रोड शो में आगे घोड़े, बग्घियां, ऊंट और रथों का काफिला भी चल रहा था। राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में कई बैठकें करने वाले हैं। अमित शाह आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। खबर आप देखिए। अब की बार मिशन 400 पार के लक्ष्य में जुटे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज सुबह 9:45 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और 10 बजे लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसमें जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसका आयोजन पोलो ग्राउंड रतनाड़ा में किया है। इस सम्मेलन में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हर कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरा करेंगे। पीएम मोदी की कल जयपुर के पास कोटपुतली में जनसभा होनी है। कोटपुतली इलाका जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आता है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है। और लोकसभा चुनाव में रामेश्वरम के द्वीप को श्रीलंका को देने का मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 1974 में बेरहमी से कच्चथीवु द्वीप को छोड़ दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चथीवु को छोड़ दिया। कच्चथीवु ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
ये मुद्दा उन्होंने मेरठ की रैली में भी उठाया। पीएम ने एक आरटीआई के हवाले से ये बात कही। आरटीआई के मुताबिक 1974 में इंदिरा सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था जिसके तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। मोदी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यूपी में पहली बड़ी रैली करके चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। क्रांति की भूमि मेरठ से पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का समीकरण साध लिया। यूपी के मेरठ में रविवार को एनडीए की रैली के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार की हुंकार भरी, साथ ही इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर शब्द बाण चलाए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक एक कर इंडिया गठबंधन के नेताओं को करारा जवाब दिया। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है, क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मेरठ की रैली में पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक को संबोधित किया। रिपोर्ट। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र दिया। टिफिन बैठक में एक साथ 660 बूथों को संबोधित करते हुए पीएम ने भोजपुरी में बोलते हुए कहा कि बनारस ने उन्हें बनारसी बना दिया। हम हूँ आप ही लोग के तरह बनारस का कार्यकर्ता है। अभी जब हम बनारस आए रहली तो यह बात कहली, 10 साल पहले आप लोग हमके सांसद बनेला, 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देलेस। इहो बार हमके सांसद बनावे का और भाजपा के 400 सीट दिया वे का जिम्मेदारी आप ही लोगन पर हो। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। 2014 में तो मैं कहता था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं कह सकता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। एक बेटे की तरह, एक संतान की तरह माँ गंगा ने मुझे अपनी गोद ले लिया है। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। इस रैली में इंडिया अलायंस के दिग्गज जुटे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को पीएम मोदी के खिलाफ हमलों के तीर चलाए। राहुल गांधी, प्रियंका, सुनीता केजरीवाल और तेजस्वी यादव से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव तक ने मोदी सरकार पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया। अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, ये आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। रैली में प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था, रथ रावण के पास था। और लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ ही बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में भी जुट गई है। बीजेपी इस कार्यक्रम को देश में जोर शोर से मनाने का प्लान बना रही है।
6 अप्रैल को स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से प्रदेश इकाइयों को पत्र भेजा है। इसमें स्थापना दिवस के मौके पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है। पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी के पत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों काम होने की बात कही गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी की राज्य इकाइयों को प्रदेश, जिला, मंडल स्तर पर स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराने का कार्यक्रम, बीजेपी दफ्तर की सजावट और मिष्ठान फल वितरण, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घर पर पार्टी का ध्वज फहराना, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम करना, बूथ स्तर पर लाभार्थियों से विशेष संपर्क का कार्यक्रम और मोदी सरकार की उपलब्धियों की व्यापक चर्चा, हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के ध्वज के साथ पदयात्रा एवं बाइक रैली का आयोजन, बीजेपी के इतिहास एवं विकास की चर्चा और मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। कार्यक्रमों में सभी जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। चिट्ठी में फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार के नारे के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करने का भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात से भारी तबाही मची है। चक्रवात से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कुछ की हालत गंभीर है। सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। चक्रवात इतना भयंकर था कि देखते ही देखते बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के खंभे टूटकर जमीन पर आ गिरे, घरों की छतें उड़ गई। जलपाईगुड़ी में तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, ओले गिरने से फसलें भी तबाह हो गई। तूफान थमने के बाद हर ओर तबाही के निशान मौजूद थे, लोग अपने घरों के टूटे फूटे सामान को इकट्ठा करने में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तूफान के बाद मची तबाही को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी पहुंची। उन्होंने सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट का मुआयना किया और तूफान प्रभावित लोगों से भी मिली। ममता ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रशासन मौके पर है और लोगों की मदद में जुटा है। ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया और चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात की। और पश्चिम बंगाल के अलावा असम में भी तूफान ने कई जिलों में तबाही मचाई है। गुवाहाटी और जोरहाट से बर्बादी की तस्वीरें सामने। असम के कई हिस्सों में भी तूफान, बारिश और ओले गिरने की वजह से भारी तबाही हुई है। तूफान के चलते घरों, इमारतों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान से कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जोरहाट जिले में भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई घरों पर बने टिन शेड उखड़ गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी। मिशन 400 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का घोषणा पत्र कैसा हो और इसमें क्या क्या वादे होंगे, इसे लेकर आज बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इस समिति में निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति के लिए लोक लुभावन वादे कर सकती है। 27 सदस्य कमेटी को घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देश की जनता से राय भी मांगी थी। बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी और रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनसे बात की टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने।
अभिनय की वो चकाचौंध दुनिया और राजनीति की उबड़ खाबड़ रास्ते कैसे कहां चले आए आप? नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं है, ये भी बहुत चकाचौंध है। इसमें ड्रामा ज्यादा है। वहाँ हमारे यहाँ ड्रामा कम होता है, हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एनीवे, भाई जानना चाहता हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि अरुण जी की इच्छा थी मेरठ से चुनाव लड़ने के लिए या बीजेपी ने कहा नहीं आपको आना चाहिए, बहुत हो गया अभिनय, अब आप राजनीति में आपकी जरूरत है? नहीं, दोनों ही बातें होती, पहले होती रही हैं ये बातें इस तरह की। हाँ। पर मैं कभी नहीं था, मेरा मन नहीं था कभी। हाँ। कि मैं जाऊँ। अब 2024 में क्यों? तो 2024 में ये हुआ ये कि मुझसे जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई ना, राम मंदिर की बात आई, तो मेरे बहुत से मित्रों ने भी कहना शुरू किया, ये भी कहना शुरू किया कि नहीं यार, तुम इतने, तुम्हारी इमेज इतनी साफ सुथरी है, साफ सुथरे लोग भी इसमें जाने चाहिए पॉलिटिक्स में, वाई नॉट। तो मेरे मन में धीरे धीरे आने लगा। फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं ये भी करके मुझे देखना चाहिए, वाई नॉट। रामायण के थ्रू हमने स्पिरिचुअल सर्विस कर ली, मॉरल सर्विस कर ली, संस्कृति की सर्विस की, यू नो, लोगों को सब बताया, और आप तो पहचाने, जरिए पता लगा। तो मैंने कहा 1-to-1 जो एक होता है ना, वो भी करके देखा जाए, देखें पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सर्विस भी पॉजिटिव थी, ये सर्विस भी पॉजिटिव है, कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अब तो हमें करना चाहिए। इधर कांग्रेस की सीसी की बैठक में बिहार की दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी की बैठक में बिहार की कटिहार और किशनगंज सीट से उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भागलपुर सीट अभी पेंडिंग रखी गई है। भागलपुर सीट से विधायक अजीत शर्मा अपनी फिल्म अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए टिकट चाहते हैं। सीईसी की बैठक में पुणे सीट को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पुणे सीट पर फ्रेंडली फाइट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पुणे सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पप्पू यादव पुणे से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पप्पू यादव को पार्टी सिंबल नहीं दे रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब से आज कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस उन्हें पटियाला से उम्मीदवार बना सकती है। और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में ममता सरकार के मंत्री उदयन गोआ ने काफिले पर, कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। टीएमसी विधायक के काफिले पर हुए हमले के बाद घटना के विरोध में टीएमसी समर्थकों ने धरना दिया। पार्टी ने इसे बर्बर घटना बताया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूचबिहार इलाके में टीएमसी विधायक और ममता सरकार में मंत्री उदयन गोहा के काफिले पर हमला हुआ। उदयन गोहा ने दावा किया कि उनके काफिले पर पीछे से हमला किया गया और उनके सहयोगियों को बेरहमी से पीटा गया। अरे हमको तो पहले से पता था और सारे कूचबिहार वासियों को पता है, निश्चित प्रामाणिक क्रिमिनल रूट से आया है। वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है और वो क्रिमिनल को ये पता चल गया, जो दो क्रिमिनल, एक है सुकुमार जो सेंट्रल बैंक का लूट किया था साहेबगंज सेंट्रल बैंक में, और ये निशित प्रामाणिक जो सोना का दुकान में चोरी हुआ था वो अलीपुर द्वार में उसका। तो दो क्रिमिनल माइंडेड लीडर अभी एक हो गए बीजेपी को संभालने के लिए। वहीं टीएमसी नेता अभिजीत भौमिक ने इस घटना के लिए केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक पर हमले का आरोप लगाया और प्रामाणिक की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के विरोध में टीएमसी समर्थकों ने धरना दिया और हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार की देर रात गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की। मुख्तार की मौत पर शोक जताने के लिए ओवैसी लखनऊ से सीधे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचे। हालांकि इस दौरान मीडिया को ओवैसी से मिलने से रोक दिया गया। मुख्तार के भतीजे और विधायक मनु अंसारी के कहने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को रोक दिया था। ओवैसी के पहुंचने की खबर मिलने पर उनके समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इससे पहले यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार के घर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की
और मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताया। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर सवाल उठाए। सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बनाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। और अंडमान निकोबार हवाई अड्डे पर यात्रियों ने क्यों हंगामा किया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हंगामे की तस्वीरें अंडमान निकोबार के वीर सावरकर हवाई अड्डे की हैं, जहां कई यात्री फंसे हुए हैं। आरोपी के स्पाइस जेट और एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें यहां छोड़कर चले गए। उनके पास खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। कोई फ्लाइट न होने के चलते बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी खासे परेशान नजर आए। यात्रियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी के प्रयागराज में एक युवा की हत्या कर दी गई, मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। फाफा मऊ के गद्दोपुर चौराहे पर कल रात पान की दुकान में बैठे एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात का आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना ये हुई, गए थे चौराहे पे, बस ये बैठे थे, वो गए थे साथ चौराहे पर पान खाने, कुछ खाने गए थे, बस वो लोग डर के भाग गए। कितने मारा है क्या? नाम नहीं बता है। सीसीटीवी कैमरा है, अब उसमें रुदापुर का पुरानी रंजीत थी, अब वही पकड़ेंगे, पता चलेगा क्या पुरानी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हमलावर 6 महीने पहले मृतक के रिश्तेदार का मोबाइल छीनकर भाग गया था। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था और इसके बाद कल उसकी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति उसमें हल्का सा चोटिल हुआ है। जो चोटिल है उनके उपचार के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, वो पूर्णतः खतरे से बाहर है। घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और मौके पर सभी समस्त अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा, इसका अनावरण किया जाएगा। और दिल्ली में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घंटों तक मशक्कत करती रही, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के प्रहलादपुर बांगर इलाके में एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने जल्दी पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। सूचना मिलने पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के चलते लाखों के नुकसान की खबर है। अभी तक हमारे पास कोई कैजुअल्टी रिपोर्टिंग नहीं हुई है और ये कपड़े का गोडाउन है जिसमें कपड़े के ऊपर फ्लेक्स की लेयर लगाई जाती है, तो इसमें कुछ मशीनरी और कपड़े और प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है। पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। सेना की पूर्व कमान ने अंडमान निकोबार द्वीप से लंबी दूरी के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक मजबूत ताकत के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल ने डमी टारगेट पर 90 डिग्री मुड़कर सटीक निशाना साधा। इस सफल मिसाइल परीक्षण से भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को जल्द होगा पछतावा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले चुनावी फंड का नहीं चलता था पता, चुनावी बॉन्ड आने से चंदे के स्रोत का पता लगाना आसान। ईडी पर विपक्ष ने आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ईडी के विपक्ष के आरोप पर प्रधानमंत्री ने कहा ईडी स्वतंत्र एजेंसी, ईडी को हम न रोकते हैं न भेजते। न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस राज में सिर्फ 35 लाख रुपए पकड़े गए, एनडीए राज में 2200 करोड़ नकदी की जब्त। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं रुकेगा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने गठबंधन बना लिया है लेकिन फिर भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे। पीएम मोदी आज मुंबई में आरबीआई की स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 90 साल पहले आज ही के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर राज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की होगी बैठक, सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी बैठक।
बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहेगा फोकस। घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ लोगों से मांगी गई थी राय। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा करने की अनुमति के फैसले पर नहीं लगाई थी रोक। जिला कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की नहीं दी थी अनुमति। सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही है ईडी रिमांड। राउस वेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की होगी पेश। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की अब तक 2 बार बढ़ चुकी है ईडी रिमांड। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात से भारी तबाही। चक्रवात में 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। बीती रात जलपाईगुड़ी पहुंची सीएम ममता बनर्जी। चक्रवात से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख का। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदना। मणिपुर में बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही। कई इलाकों में घरों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान। असम के जोरहाट में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। तूफान से कई पेड़ उखड़े, राहत और बचाव कार्य जारी। जलपाईगुड़ी में तबाही पर राज्यपाल आनंद बोस ने जताई चिंता। हालात का जायजा लेने आज जलपाईगुड़ी का करेंगे दौरा। इंडिया गठबंधन को लेकर टीएमसी का बड़ा बयान। का राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के साथ, बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम है बीजेपी के जीत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बंगाल कांग्रेस और सीपीएम के पास बीजेपी से लड़ने के लिए संगठन नहीं, दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कर रहे हैं राजनीति। कांग्रेस सीईसी बैठक में कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद का नाम तय। सूत्रों के हवाले से खबर। 4 अप्रैल को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जमुई में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दिया इस्तीफा। अनिल शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव जैसे स्ट्रीट शूटर के कांग्रेस में आने से वहां पर अब कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार, बोले तेजस्वी यादव है भ्रष्टाचार के प्रतीक। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, बोले लालू यादव पंजीकृत अपराधी है, लंबे समय तक रहे जेल में। पटियाला से बीजेपी के उम्मीदवार पंडित कौर का बयान, कहा कि पंजाब में बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे 2027 में, बीजेपी की पंजाब में बनेगी सरकार। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में बोले अनुराग ठाकुर, कहा कि 10 साल पहले विकसित भारत के बारे में सोच नहीं सकते थे, आज बनते देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेडी को एक और बड़ा झटका लगा। बीजेडी के पूर्व विधायक आकाश नायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के साथ ही खड़गे का नाम शामिल है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत रत्न देते समय जब राष्ट्रपति खड़ी हुई तो पीएम को भी खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया, कहा कि आडवाणी को भारत रत्न देते समय राष्ट्रपति का हुआ अपमान। बिहार में आज से एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। पार्टी 5 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेगी बीजेपी। सभी प्रदेश इकाइयों को भेजी गई है चिट्ठी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालयों में झंडा फहराने और लाभार्थियों से संपर्क करने का निर्देश दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कहा कि मैं राजगढ़ में 400 लोगों से नामांकन भराने की कर रहा हूं कोशिश, जिससे बैलेट पेपर से हो चुनाव। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी। कांग्रेस पटियाला से धर्मवीर गांधी को दे सकती है टिकट। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों का किया ऐलान। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में संजय निरुपम का भी नाम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। देहरादून राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बाबनकुले मौजूद रहे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की शिकायत की, कहा कि हमारे नेताओं को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी किया। दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम है। बगवा में त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा ने किया रोड शो। वेस्ट त्रिपुरा से बीजेपी उम्मीदवार विप्लव देव के लिए वोट मांगा गया। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में चाय बगान के मजदूरों से मुलाकात की। 19 अप्रैल को डिब्रूगढ़ में होगा मतदान। क्षत्रिय समुदाय के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं रूपाला। फडणवीस के राहुल गांधी को वीर सावरकर फिल्म देखने की सलाह पर कांग्रेस का पलटवार, कहा फडणवीस को गांधी फिल्म देखने के लिए थिएटर बुक कर दूंगा। पल्लवी पटेल का अखिलेश पर तंज, कहा कि पीडीए में ए को लेकर कंफ्यूजन था, इसलिए हमने पीडीए की जगह पीडीएम बनाया, पिछड़ा, दलित और मुसलमान।
समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को घेरा, कहा कि चुनाव कौम को धोखे में रखते हैं, ईडी और सीबीआई इनके यहां पर दावत खाने आते हैं। बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने मंदिर में की पूजा अर्चना, लोगों ने रेखा पात्रा पर की फूलों की बारिश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, चुनावी तैयारियों की ली जानकारी। आज दिल्ली आएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आंध्र प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, बैठक में आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाईस शर्मिला हुई शामिल। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुकेंद्र चीकू के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। मुख्तार अंसारी के परिवार से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात, बांदा जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार की हुई थी मौत। पेपर लीक पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, पूछा तुम कहते हो सब ठीक, हर साल क्यों होता है पेपर लीक। कच्चा थे वो पर पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा जैसे पीएम ने बांग्लादेश के साथ किया वैसा ही श्रीलंका के साथ हुआ था समझौता। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की दुकानों की सीसीटीवी के जरिए की जाएगी निगरानी, अवैध बिक्री रोकने के लिए लिया गया फैसला। बंगाल में ममता सरकार के मंत्री उदयन गोहा के काफिले पर हमला, टीएमसी ने हमले के लिए बीजेपी नेताओं को और उनके समर्थकों को ठहराया जिम्मेदार। ब्राजील में भीषण बाढ़ के बाद सफाई अभियान जारी, सड़कों से हटाए जा रहे कूड़े के ढेर। बंधकों की रिहाई को लेकर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, बंधकों की को वापस लाने के लिए किए जा रहे हर संभव प्रयास। लेबनान से हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार, इजरायली सेना पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट हमले में आईडीएफ की सैन्य ठिकाने तबाह। ईद से हमले पहले पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, सरकार से पेट्रोल की कीमत 9.66 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डोनेस्क में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार, हमले में दो रूसी बीएमपी उड़ा। न्यूयॉर्क में पॉम्पेई चर्च में भीषण आग से अफरा तफरी, आग के बाद आसमान में उठा धुएं का खुमार। विपक्षी मतदाताओं ने इस्तांबुल नगर पालिका के सामने बनाया जश्न, हाथ में झंडे लेकर गानों पर जमकर थिरके। अवदीपका के पेरामोवाइस्क में फहराया गया एक रूसी फ्लैग, अवदीपका में अधिकतर हिस्से में रूस का कब्जा। ग्रीस को नाटो और यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए मार्च सड़कों पर उतरे सैकड़ों। सुमीडोनेस्क पर रूस के मिसाइल हमले, रूस ने दागी 9 मिसाइलें, सुमीडोनेस्क में गूंजे अलर्ट सारा। कोप्यांस में रूस का हमला, यूक्रेन इलाकों पर की बम वर्षा। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस की गोलीबारी, हॉबिजर गन से की ताबड़तोड़ फायर। अवदीपका में रूसी वायुसेना का एक्शन, MI-28 हेलीकॉप्टर से रूस का हमला। डोनेस्क में यूक्रेन का बड़ा पलटवार, रूसी चौकियों पर आर्टिलरी से किया हमले। खेरसॉन में D-30 हॉबिजर से रूस का यूक्रेन पर हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी रिपोर्टर। रूसी पैराट्रूपर्स का डोनेस्क में 40 ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला, यूक्रेनी पोस्ट को चुन चुन कर तबाह किया गया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना की वॉर एक्सरसाइज, भारी बर्फबारी के बीच रूस की टैगल ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास किया। यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेस्क में रूसी सेना का विनाशक प्रहार, हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस की भीषण बमबारी, हमले से ओडेसा इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। रूस पर यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी, यूक्रेन ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया, हमले के बाद एक घर में आग लग गई। यूक्रेन के सुमी में रूसी सेना का हमला, रिहायशी इलाके में जबरदस्त शेलिंग, हमले में 12 कम्युनिटी सेंटर तबाह हो गए। युद्ध में एंटी टैंक माइंस बिछाकर पीछे हट रही यूक्रेनी सेना, रूसी सेना छिपे विस्फोटकों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही बाहर। आईडीएफ पर हिजबुल्ला का डबल अटैक, आईडीएफ की मीटिंग के दौरान हिजबुल्ला ने दागे विध्वंसक रॉकेट, हमले में कई आईडीएफ सैनिकों की मौत। अल शिफा में इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर हमला हुआ, अटैक में इमारत धराशायी हो गई। अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट पर फंसे यात्री, यात्रियों का आरोप एयरपोर्ट पर मदद के लिए कर्मचारी नहीं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिस्तरीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का समापन हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर 10 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जब्त किए गए गोल्ड की कीमत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए। नोएडा में गैस रिसाव की वजह से रेस्तरां और ढाबे में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक, आग पर काबू पाया गया। बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, 2 मासूम बच्चों के साथ पत्नी को उतारा मौत के घाट। घरेलू कलह में पति ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्यारे की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के पांडव नगर में नाबालिग को न्याय दिलाने को लेकर हुई महापंचायत, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस सदानंद वसंत दाते बने एनआईए चीफ, दिनकर गुप्ता के सेवानिवृत्त होने पर कमान संभाली। दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल का बयान, सेना का ध्यान स्वदेशीकरण तकनीक को अपनाने पर है, परिचालन क्षमता बढ़ाने पर रहेगा केंद्र। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सली कैंप को किया नष्ट, चुनाव के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली।
अंडमान और निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया टेस्ट, मिसाइल ने डमी टारगेट को ध्वस्त किया। प्रयागराज में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई, घटना में एक की मौत हो गई, एक घायल। दिल्ली के आनंद पर्वत में घर में 30 साल के शख्स का शव मिलने के बाद सनसनी, पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया शव। आईपीएल में आज मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा दोनों के बीच मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स को मिली सीजन की पहली जीत, चेन्नई को 20 रन से हराया, खलील अहमद को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग खबरों का। पहली खबर भारत की मिसाइल महाशक्ति से जुड़ी है। जी हां, अंडमान और निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया टेस्ट, ब्रह्मोस मिसाइल ने डमी टारगेट को पूरी सटीकता के साथ भेदा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्ट का नया वीडियो आया है सामने। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण चीन सागर में चीन की भड़काऊ ड्रिल, पीएलए की दक्षिण थिएटर कमान का युद्धाभ्यास, समंदर में ड्रिल के बीच चीन की बड़ी चेतावनी, चीनी इलाके में आने पर हमले की वार्निंग, दुश्मन देशों की शिप टारगेट करने की विध्वंसक ड्रिल। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, चीन के फुजियान प्रांत के नानान शहर में भीषण आग, फैक्ट्री में भीषण आग के बीच आसमान छूता धुएं का गुबार, फैक्ट्री में आग की वजह से सामान जलकर खाक हो गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, अमेरिका में न्यूयॉर्क के पोम्पेई चर्च में लगी भीषण आग, भीषण आग के बीच चर्च से उठता दिया धुआं, उठता दिखाई दिया धुएं का गुबार और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन चलाते दिखे फायर फाइटर्स। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, रूस के अल्ताई इलाके में बेकाबू बाढ़ से भयंकर तबाही, बर्फ पिघलने से अल्ताई में सैलाब ने रिहायशी बस्ती पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों घर पानी में डूबे, हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया। और छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, ग्वाटेमाला से जहां के पेरिशियानो में तूफान पर भारी पड़ी आस्था, तेज तूफान के बीच ग्वाटेमाला में निकला जुलूस, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भीषण तूफान के बीच पवित्र रथ को खींचा। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील से जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, दक्षिणी ब्राजील में बाढ़ से हाहाकार मचाया, सैलाब में तैरती नजर आई गाड़ियां, रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर जल भराव। ये तस्वीरें आपके सामने ब्राजील की है जहां पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और उसके बाद ब्राजील में काफी बुरे हालात हैं। आप देखिए सड़कों पर किस तरह से तिनके की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही, काफी नुकसान हुआ है, सैलाब में गाड़ियां तैरती नजर आ रही, रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका में एक और बड़ा पुल हादसा हुआ, अरकासस में पुल से टकरा गया बड़ा कंटेनर, पुल के खंभे और जहाज को पहुंचा है नुकसान, हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। 4 दिन पहले बाल्टीमोर में हुआ था बड़ा पुल हादसा। और अब नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की के स्थानीय चुनावों में विपक्ष को बढ़ा राष्ट्रपति एर्दोगान का इमोशनल कार्ड भी हुआ फेल, इस्तांबुल नगर पालिका के सामने विपक्ष का जश्न। 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum. Biz bu... और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन युद्ध में रूसी तोपखाने ने उगली आग, रूसी तोपों के प्रहार से यूक्रेन की सैन्य पोस्ट तबाह हो गई। वेस्ट्रियो
और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग से कोहराम, रिहायशी इमारत में भीषण आग से हाहाकार, कई ट्रांसफार्मर फटने से भड़की थी आग। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन ने युद्ध क्षेत्र में बिछाया माइंस का जाल, रूसी सैनिकों पर माइंस अटैक, हर रोज माइन हटा रहे हैं रूसी सैनिक, लुहांस में माइन के जाल को क्लियर किया। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। गाजा के अल शिफा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, हमास की इमारत को भीषण धमाके से ध्वस्त किया, धमाके में हमास की सुरंग भी नष्ट करने का दावा। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। हमास लड़ाकों ने गाजा के आम लोगों को पीटा, शरणार्थी बनकर घर में ठहरे लोगों की बेरहमी से पिटाई। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। आतंकी हमले से दहला दक्षिण इजराइल के बियर शेवा शहर, जिहादी गुट के आतंकवादी ने आईडीएफ पर गोलियों की बौछार की। आतंकी हमले में आईडीएफ का एक सैनिक मारा गया, कई घायल। दक्षिण इजराइल के बियर शेवा का पूरा इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। लेबनान से हिजबुल्ला का बड़ा हमला हुआ आईडीएफ की पोस्ट पर, हिजबुल्ला ने दागे रॉकेट। हिजबुल्ला के हमलों से आईडीएफ के कई सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो गए। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा से जहां पर मानवीय मदद देने का नया वीडियो सामने आया है, गाजा में आसमान से गिराया गया खाने पीने का सामान, एयर ड्रॉपिंग की तस्वीरों में बड़े पैमाने पर पैराशूट जमीन पर उतरते हुए दिखाई दिए। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा से इजराइल के ऑपरेशन की नई तस्वीर, तस्वीरों में हमास के ठिकाने पर आईडीएफ की छानबीन। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। इजराइल की राजधानी यरूशलम से है जहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, हजारों की संख्या में लोगों ने इजरायली संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग की। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। फिलिस्तीन के समर्थन में बगदाद में बड़ा प्रोटेस्ट, बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। युद्ध के बीच रूस के बेलगोरोड से उत्सव की तस्वीर, स्थानीय फेस्टिवल के मौके पर शानदार प्रस्तुति दी गई। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। ग्रीस में नेटो और ईयू के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नेटो और ईयू से बाहर निकलने की मांग की।